अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 C++ का, और आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, रेंज एंड प्रिसीजन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाटा टाइप्स जो हैं वो पढ़ी थी। डाटा टाइप्स में हम लोगों ने रियल डाटा टाइप जो है वो देखी थी, और इंटीजर भी देखे थे, कैरेक्टर्स भी देखे थे। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली किस लिए यूज़ होती है? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दिस नोटेशन रिप्रेजेंट्स लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट वे। इस नोटेशन के थ्रू हम बहुत जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनको छोटे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो बहुत स्मॉल नंबर होते हैं उनको भी एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग रियल वैल्यूज इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज। अभी आपको नोटेशन नज़र आ रही है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम जो है वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्लस माइनस एम, ई प्लस माइनस एन। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? ई जो है वो आप स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अब हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ नज़र आ रही है। एम क्या कहलाता है? एम जो है मेंटिसा होता है, और एन क्या है? एन होता है एक्सपोनेंट होता है। जो ई से पहले वैल्यू लिखी जाती है उसे मेंटिसा कहा जाता है, और जो ई से बाद में वैल्यू लिखी जाती है उसे एक्सपोनेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो इस हवाले से हमने याद रखने हैं। मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। मेंटिसा और एक्सपोनेंट पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। एक्सपोनेंट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, इट कैन नॉट बी रियल नंबर। जो एक्सपोनेंट होता है, जो ई के बाद हमने लिखा है, ये हमेशा जो है वो जो है इंटीजर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेंटिसा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू वन और लेस देन टेन। अब ये जो मेंटिसा की वैल्यू है हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, वन और टेन के रेंज में होगी, यानी कि वन टू नाइन तक ये नंबर होगा, टेन से छोटा होगा और वन या वन से ग्रेटर होता है ये नंबर। अभी हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो है रियल नंबर साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले देखते हैं 1.98। रियल नंबर की जो वैल्यू 1.98 है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 0 होगी, और अगर इसी साइंटिफिक नोटेशन को हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना हो तो हमने वो वैल्यू जो है एस एच मेंटिसा की एस एच लिख देनी है, और ये जो 10 की पावर थी वो e के बाद हमने लिख देनी है। उसके बाद सेकंड वैल्यू देखिए 4679000.0। तो इसमें क्या लिखा जा रहा है, इसमें देख लें, हमने पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट एंटर करना होता है, और उसके बाद में बाकी जितने भी डिजिट्स हैं इस पॉइंट से लेके फर्स्ट पॉइंट तक जितने भी दरमियान में लेटर्स आ रहे हैं, 6 लेटर्स आ रहे हैं, तो वो हमने 10 की पावर में लिख देना होता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एस एच सेम ही लिखते हैं, बस हमने मल्टीप्लाई और 10 को रिप्लेस करके यहाँ पे हमने ई लिख देना होता है। उसके बाद में लास्ट देखिए रियल नंबर है 0.00053। तो इस वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है, हमने जो पॉइंट है वो राइट साइड पर मूव करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो ये पॉइंट है आपने 5 की प्लेस पे मूव करना है, तो इसके दरमियान में आपके यहाँ 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसकी पावर जो है वो -4 हो जाती है। ये साइंटिफिक नोटेशन में तो आप सबको बहुत अच्छे से लिखना आता होगा, तो अब जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने भी एस एच लिखना है। अब इसकी पावर -4 होता है, तो हमने ई के बाद जो वैल्यू है वो -4 लिख देनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखनी है कि रेंज क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। द पॉसिबल वैल्यूज डेट फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल कैन स्टोर आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन एंड रेंज। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं, जो उनमें जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो रेंज और प्रिसीजन की फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितना डाटा जो है वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। अब प्रिसीजन किसे कहते हैं? इट इज़ अ नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद हम जितने भी डिजिट्स स्टोर करवाना चाह रहे हैं उसे प्रिसीजन कहा जाता है। अगर हम चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हों, तो इसकी प्रिसीजन क्या होगी? 2 होगी। रेंज क्या होता है? इट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। जो 10 की पावर आपने लिखनी होती है ई के बाद जो है वो उसे रेंज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है, इसमें 0.1
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मल्टीप्लाई टेन रेज पावर थ्री है, तो इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद सेवन लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस एग्जांपल में पोजीशन जो है वो सेवन होगी और टेन की पावर आपको थ्री नज़र आ रही है और रेंज की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया है और उसके बाद प्रोसीजन एंड रेंज को देखा है, जो कि हम लोगों ने अगर साइंटिफिक डाटा जो है वो प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।